आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर सिंबल टेबल के टॉपिक को डिटेल में कवर करेगा। तो जैसा कि हम ऑलरेडी यूनिट वन में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि सिंबल टेबल क्या है, सिंबल टेबल का हमने ये भी देखा था कि सिंबल टेबल फेस से किस तरह से मैप होता है, सिंबल टेबल कंपाइलर के स्ट्रक्चर में हर फेस से कनेक्टिविटी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंबल टेबल क्या है। तो गाइस, सिंबल टेबल जो है, सिंबल टेबल इज द डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। अब इसको डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज मैनेजिंग द थिंग्स, ठीक है। ये क्या मैनेज करता है, सिंबल टेबल इज यूज्ड फॉर कीपिंग द इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को कीप करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है, जो कि आप सोर्स कोड में लिखेंगे। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, जैसे कि वेरिएबल के नेम होते हैं, जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंटीजर ए या इंटीजर बी, तो ये सिंबल टेबल में स्टोर होगा। कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो भी सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं। प्रोसीजर या फंक्शन जो आप डिफाइन करते हैं वो भी सिंबल टेबल में स्टोर होता है। लिटरल होता है, कॉन्स्टेंट होता है, स्ट्रिंग होते हैं। और कंपाइलर जो एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ टेम्परेरीज वैल्यू को यूज़ करता है वो भी सिंबल टेबल में स्टोर होते हैं। तो सिंबल टेबल इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट कीपिंग दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरिएबल, प्रोसीजर, लिटरल, कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज एंड मैनी थिंग्स। अब गाइस बात आती है यहाँ पर, ये जो इंफॉर्मेशन जो सिंबल टेबल पर स्टोर हुई ये यूज़ कैसे होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये सोर्स प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। जैसे दिस थिंग्स, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन द सोर्स प्रोग्राम टू आइडेंटिफाइंग द कंटेंट्स, यानी सोर्स प्रोग्राम में जो कंटेंट है वो रन टाइम एनवायरनमेंट में या कंपाइल टाइम में, ये उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। इनकी प्रॉपर मैपिंग होती है हर फेज से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब सिंबल टेबल का जो है, सिंबल टेबल इज सर्च्ड एवरी टाइम। इसका मीनिंग क्या है गाइज, इसका मीनिंग ये है कि सिंबल टेबल जो है वो कंपाइलर के हर फेज से जुड़ा रहता है, और जब कंपाइलर के फेज को ज़रूरत पड़ती है किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, तो वो सिंबल टेबल से कनेक्टिविटी के कारण उसको कॉन्टैक्ट करता है और उससे वो डेटा को फैच करता है। अब मान के चलिए कि अगर कुछ न्यू डेटा इंफॉर्मेशन आया है, तो ये क्या करेगा सिंबल टेबल में, वहाँ पर उसको एड ऑन कर देता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये है सिंबल टेबल की। तो जैसे न्यू नेम आ गए या न्यू वेरिएबल्स आ गए, तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से चेक होती है। अगर पता चला कि ये चीज़ नई है, नया कुछ वेरिएबल आया या फंक्शन आया प्रोग्राम में, तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन के साथ यानी उसकी प्रॉपर्टी के साथ सिंबल टेबल में लोड कर देते हैं। और जैसे जैसे सिंबल टेबल प्रोग्राम कंपाइलर के फेजेस से गुजरता जाता है, वैसे वैसे सिंबल टेबल जो है वो मॉडिफाइड होती जाती है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि जो एंट्री होती है सिंबल टेबल पर, तो वो जो एंट्री होती है सिंबल टेबल में, जब हम सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एंट्री जो होती है वो एंट्री सीक्वेंस में नहीं हो पाती। तो जब यहाँ पे सीक्वेंस में एंट्री नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंबल टेबल में यूज़ किया, सीक्वेंस इन द सेंस यानी यूनिफॉर्म मैनर में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, तो वहाँ और अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म पॉइंटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंटर है वो पर्टिकुलर पॉइंटर उस न्यू इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, और जब हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है तो हम पॉइंटर की मदद से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंबल टेबल जो होता है, कंपाइलर के पास ऑप्शन रहता है, या तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए एक लार्ज सिंबल टेबल बना ले, या वो सेपरेटेड सिंबल टेबल बना ले हायरार्किकल मैनर में। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हायरार्किकल मैनर में सिंबल टेबल किस तरह से बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है गाइस, जो सिंबल टेबल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बनती है, तो उसमें सिंबल्स के जो टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, इसके साइज होते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज जो भी होती है, इसके डायमेंशंस होते हैं, इसकी बाउंडिंग होती है, बाइंडिंग होती है, कहाँ कॉल होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये स्टोर होती है सिंबल टेबल में।
तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंबल टेबल का बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।